एक राजा घुंघराले मूंछ और चांदी के मुकुट के साथ धोती कुर्ता और जूते पहने अपने कंधे पर बंदूक लिए। यह किसी ऐतिहासिक कहानी का चरित्र नहीं है, बल्कि सुंदरबन के राजा और देवता दक्षिण राय की कहानी है। वह स्थानीय देवता हैं जो जानवरों और राक्षसों पर शासन करते हैं और सभी लोगों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। सुंदरबन के कई लोग दक्षिण राय को एक देवता मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें राक्षस मानते हैं और जिसे जंगल की देवी बॉन बीबी का कट्टर प्रतिद्वंदी माना जाता है। कहते हैं सुंदरबन के जंगलों में छिपे खतरे आदमखोर बाघ से आपकी सुरक्षा सिर्फ जंगल की देवी बॉन बीबी ही कर सकती है। तो आखिर कौन है ये बॉन बीबी और क्यों डरते हैं इनसे स्वयं जंगल के राजा दक्षिण राय? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए देखते रहिए आज की ये रोमांचक कहानी आपकी दोस्त दीपिका के साथ ओनली ऑन थ्रिलिंग वीकेंड। भारत और बांग्लादेश के बीच साझा की गई विशाल सुंदरता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरबन हनी हंटर की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। सुंदरबन में बड़ी संख्या में दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियां शामिल है। यह वन दलदल और कई गुप्त रहस्यों से भरा है। सुंदरबन एक खतरनाक और दुर्गम स्थान के लिए जाना जाता है, जिसमें लोगों के अचानक गायब होने की रिपोर्ट अक्सर वन विभाग कर्मचारियों को मिलती रहती है। कुछ लोग इसका जिम्मेदार आदमखोर बाघों की उपस्थिति को मानते हैं, जबकि दूसरे लोग मानते हैं कि यहाँ के जानलेवा दलदल ही इन गुमशुदगियों का कारण हो सकते हैं। ये जंगल अपने स्वादिष्ट शहद के लिए भी जाना जाता है और शहद के शिकारियों को यहाँ मोवाली नाम से जाना जाता है। मोवाली जंगल में प्रवेश करने से पहले अपने मुख्य देवता दक्षिण राय की पारंपरिक तौर से प्रार्थना करते हैं। मोवालियों का दक्षिण राय के प्रति डर उन्हें दक्षिण राय की पूजा करने पर विवश करता है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण राय बंगाल टाइगर के रूप में सुंदरबन में रहता है। मोवालियों के स्थानीय शहद संग्राहकों के अनुसार दक्षिण राय मानव जीवन के बदले में वन का शहद देता है और वह केवल देवी माँ बॉन बीवी से ही डरता है। सुंदरबन में आप जंगल की रक्षा नहीं करते हैं, यदि आप भाग्यशाली हैं तो जंगल आपकी रक्षा करेगा। ऐसा माना जाता है कि बॉन बीबी सुंदरबन के जंगलों में रहती है और लोगों को दक्षिण राय के आतंक से बचाती है। दक्षिण राय को इच्छा रूपी दानव कहा जाता है, जो समय आने पर बाघ का भेष धारण कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि वह राक्षसों और जानवरों पर शासन करते हैं। जहां पूरी दुनिया में जातिवाद के नाम पे झगड़े होते हैं, वहीं इस जंगल में बॉन बीबी की पूजा में मुस्लिम और हिंदू दोनों शामिल होते हैं। वह हिंदुओं को दुर्गा माँ की तरह दिखाई देती है और मुसलमानों को वह एक महिला भिक्षु के रूप में दर्शन देती है। हिंदू धर्म में वन की देवी को अरण्यानी देवी के नाम से जाना जाता है। वो जंगल में रहने वाले हर प्राणी की आपदाओं से सुरक्षा करती है। देवी अरण्यानी देवी शक्ति का ही रूप है, जिसे सुंदरबन के जंगलों में बॉन बीबी के नाम से पूजा जाता है। इस जंगल से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है, जिसे सुंदरबन में रहने वाला हर व्यक्ति और बच्चा जानता है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से है। सुंदरबन के एक गांव में दो मोवाली भाई धौना और मोना रहते थे। धौना ने घने वन क्षेत्र में शहद इकट्ठा करने के लिए 7 नाव के बेड़ों के साथ जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके भाई मोना ने इसका विरोध किया। तब धौना एक चरवाहे लड़के दुखे को अपने साथ ले गया। जाने से पहले दुखे की माँ ने उसे किसी भी गंभीर परेशानी के मामले में बॉन बीबी की प्रार्थना करने के लिए कहा। जब उनका बेड़ा
केंडोखाली चार नाम के क्षेत्र में पहुंचा, जो कि दक्षिण राय के राज्य का ही हिस्सा था। धौना दक्षिण राय को जल्दबाजी में भेंट देना भूल गया, जिसके फलस्वरूप वह 3 दिनों तक कोई शहद या मोम इकट्ठा नहीं कर पाया। तीसरी रात को दक्षिण राय धौना के सपने में आए और उससे एक मानव बलिदान मांगा। दक्षिण राय के साथ कुछ तर्कों के बाद लालची धौना शहद और मोम के बदले में दुखे का बलिदान देने के लिए राजी हो गया। इसलिए पर्याप्त मोम और शहद इकट्ठा करने के बाद वह दुखे को वहीं छोड़ अपने गांव लौट आया। दुखे को उस वीराने जंगल में अकेले बहुत डर लग रहा था। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ हरकत होती दिखाई दी। उसे समझ आ गया था कि उसकी मौत अब नजदीक है। जब दक्षिण राय बाघ के भेष में दुखे पर हमला करने वाला था, तभी उसने वन की देवी बौन बीबी को आमंत्रित करने वाली प्रार्थनाओं का जाप करना शुरू कर दिया। उसका जप सुनकर बौन बीबी अपने भाई शाह जंगाली के साथ आई। शाह जंगाली ने दक्षिण राय को हरा दिया। अपनी हार के बाद दक्षिण राय ने बड़ा खान गाजी के पास शरण ली। अंत में बड़ा खान गाजी बौन बीवी को दक्षिण राय को नुकसान न पहुंचाने के लिए मनाने में सक्षम हो गए। बदले में गाजी ने दुखे को 7 कीमती सामानों से भरा बक्सा दिया और दक्षिण राय ने उसे पर्याप्त मात्रा में मोम और शहद दिया। बौन बीवी ने अपने पालतू मगरमच्छ सेको को दुखे को अपने गांव में छोड़ने का आदेश दिया। गांव लौटने के बाद दुखे ने पड़ोस में बौन बीबी की पूजा को लोकप्रिय बनाया और तभी से सुंदरवन के गांव में बड़े धूमधाम से बौन बीबी की पूजा शुरू हुई। सुंदरवन के जंगल में प्रवेश करने से पहले दक्षिण राय को प्रसन्न करने की प्रथा है, ताकि वह आपके रास्ते में कोई बाघ न भेजे। अनुष्ठान करने और जंगल में प्रवेश करने से पहले मवाली और अन्य शहद शिकारी बाघ के हमले को रोकने के लिए अपने सर के पीछे दक्षिण राय के चेहरे का मुखौटा पहनते हैं, क्योंकि बाघ हमेशा पीछे से हमला करते हैं। घना वन आज भी कई रहस्यों से भरा है, जिससे आज भी हम और आप अनजान हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कोई अनसुना किस्सा जानते हैं तो हमसे जरूर शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कहानी को एक बेहतरीन अंदाज में लोगों तक पहुंचाया जा सके। और ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानी सुनने के लिए देखते रहिए थ्रिलिंग वीकेंड्स की कहानियां।